नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको बताते हैं कि आपको घी कब नहीं खाना चाहिए, कौन सी बीमारी में घी नहीं खाना चाहिए और घी सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद भी है, लेकिन सर्दी जुकाम और दिल से जुड़ी बीमारियों में इसका सेवन नुकसानदेह भी आपके लिए हो सकता है। घी सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि ब्रेन बूस्टर होते हैं, होने के साथ साथ हड्डियों को नमी प्रदान करने वाले भी होते हैं, भी लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग गुड़ भी होता है जो कि स्किन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में घी का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। गलत घी का चुनाव, जैसे कि वेट लॉस में भैंस के दूध से बना घी नहीं बल्कि गाय के दूध से बना घी फायदेमंद है। ऐसी ही दूसरी स्थितियों में बीमारियाँ जो हैं जिनमें घी का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं घी कब और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम में आपको नहीं खाना चाहिए। ये पाचन के काम काज को और मुश्किल कर सकता है। इससे ब्लोटिंग, क्रैम्प्स और गैस की समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के मरीज को घी नहीं खाना चाहिए, उसका सेवन से बचना। डायबिटीज़ में भी आपको घी का सेवन नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ के रोगियों का ब्लड प्रेशर बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल की वजह से पहले से ही प्रभावित रहती है, और ऐसे में घी का सेवन और ख़ास तौर पर भैंस के दूध से बना घी सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल तभी बढ़ता है जब आप फैटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ सकता है। लीवर सिसोसिस में आपको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल आप अगर बाहर का खरीदा हुआ घी खा रहे हैं या फिर घर का बना हुआ घी ज़्यादा खा रहे हैं तो ये फैट बढ़ा सकते हैं और लीवर सिसोसिस के लक्षणों और को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। इसलिए लीवर सिसोसिस की समस्या से पूरी तरह बचे रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों, कफ, यदि खांसी होती है तब भी आपको घी का सेवन नहीं करना है। घी के ज़्यादा सेवन से कफ दोष की समस्या हो सकती है। घी शरीर के भीतर कफ को बढ़ाता है, जिससे सर्दी जुकाम में जगड़न बढ़ सकती है, इससे बलगम और बढ़ सकता है। इसलिए इन तमाम समस्याओं या कहेंगे स्थितियों में आपको कम दोष से बचना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।